नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। साथियों, मंगल के उच्च भाव में होने से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 25, 26, 27 और 28 फरवरी के इन चार दिनों में आपको अपने जीवन का सबसे अनमोल तोहफा मिलेगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, यह खुशखबरी आपको कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्यार, धन या संतान के रूप में प्राप्त होगी, जिससे इन दिनों में आपका भाग्य सवर जाएगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर इसी तरह की नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए यह आने वाला महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, इस समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक प्रभावशाली और सक्षम रहेगा। कुछ समय से चली आ रही चिंताओं और परेशानियों से आपको अब राहत मिल सकती है। परिवार की जिम्मेदारी, प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आप परिवार के चहेते बन जाएंगे और सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जिससे आपका रिश्ता बहुत गहरा है, आपको खुशी प्रदान करेगी। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय में भाग्य वृद्धि और उन्नति के शुभ अवसर बन रहे हैं। जो पिछले काफी समय से रुके हुए और अटके हुए कार्य थे, उनमें सफलता मिलने का समय आ गया है। शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं, परंतु वह आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये समय विद्यार्थियों के लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में फैसला उनके हक में आएगा और किसी मित्र या सहयोगी से कोई जरूरी सूचना आपको मिल सकती है, जो आपके बहुत काम आएगी। यह समय बच्चों की पढ़ाई और कैरियर से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और कृपा से घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा और साथ ही साथ आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। किसी परेशानी का हल आपको की प्रयासों में आपको सफलता दिलाएगा। भाई बहनों से संबंधित प्रॉपर्टी के बंटवारे में परिवार का सहयोग और सफलता मिलेगी, इससे परिवार की सहमति आपको मिल सकती है। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक आपके संपर्क बनेंगे। आप अपनी बुद्धिमता और कुशलता से अपने काम करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय में कुछ लोग आपकी आलोचना व निंदा कर सकते हैं। ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी आपको बनाकर रखने की आवश्यकता है। इस समय में खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने में ही आपका विशेष सहयोग रहेगा और योगदान रहेगा। दोस्तों, यह समय आप अपने क्रोध और आवेश को अपने काबू में रखना आपके लिए आवश्यक हो सकता है। जल्दबाजी और उत्साह से बना बनाया काम आपका बिगड़ जाए, जिसकी वजह से पारिवारिक सुख शांति में बाधा उत्पन्न हो जाए। संतान का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपको चिंता में डाल सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें, नहीं तो हो सकता है आपको भावनात्मक रूप से कोई बेवकूफ बनाए। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। वाहन संबंधी निर्णय लेने से पहले आप किसी की सलाह अवश्य लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यह समय विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटौती करें। क्रोध और उत्तेजना पर आपको जरूरी नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है, अन्यथा किसी के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। साथ ही अपनी भावुकता और कमजोरी पर भी सफलता हासिल करने में आप बेहद कामयाब रहेंगे।